प्रतिशत शिक्षक भर्ती 2013 संविधान अनुच्छेद 21 ए के तहत इस पद की भर्ती हुई शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 धारा 19 के अंतर्गत। जूनियर हाई स्कूल विद्यालयों में विशेष विषयों को शिक्षण हेतु नियुक्त की गई, जिसमें चित्रकला शिक्षा, कंप्यूटर शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, कृषि उद्यान एवं फल संरक्षण शिक्षा, गृह शिल्प शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान के तहत ये नियुक्तियाँ हुई थीं, जिसमें कहीं भी ये नहीं लिखा है कि ये संविदा पद हैं, सिर्फ अनुदेशक शिक्षक लिखा हुआ है। अब कहाँ पर मिस्टेक की जा रही है शासन प्रशासन के द्वारा, कहाँ पर गुमराह किया जा रहा है विभाग को, सरकार को, अनुदेशकों को, ये अभी कुछ पता नहीं चला है। इतना निश्चित है देर से सही, लेकिन अंशकालिक अनुदेशकों को पूर्णकालिक शिक्षक का दर्जा मिलेगा, ऐसी हम ईश्वर से कामना करते हैं। अब यहाँ पर दूसरा समाचार एक आ रहा है यहाँ पर साथियों, परियोजना से प्राप्त जानकारी के अनुसार बढ़ा हुआ मानदेय 9000 का भुगतान माह अप्रैल से होगा। इस बार माह मई के मानदेय में बढ़कर आएगा और माह अप्रैल का बढ़ा हुआ अतिरिक्त पैसा 2000 रुपये एरियर के रूप में मिलेगा। हो सकता है कि एरियर का पैसा माह मई के मानदेय के साथ ही आ जाए, या यदि इसके साथ नहीं आया तो जल्द ही जल्द एरियर के रूप में अलग से आ जाएगा। ये एक राहत भरी खबर है। एक और बड़ी खबर है, राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सदन में कल सपा नेता के द्वारा उठाए गए हैं बड़े सवाल, अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के नियुक्तिकरण से संबंधित। साथियों ये एक अच्छी पहल है, अच्छा प्रयास है विपक्ष के द्वारा, क्योंकि विपक्ष इस समय मजबूत है, वो जो कहेगा उस पर ध्यान दिया जाएगा। तो साथियों मैं सपा के लिए हार्दिक बधाई और अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ उनके इस कदम का कि उन्होंने शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के मुद्दे को उठाना शुरू कर दिया है। जैसा कि मैं पूर्व में ही चैनल के माध्यम से कह रहा था कि सपा मजबूत विपक्ष है और उनको हमारे अनुदेशक और शिक्षा मित्रों की बात सदन में उठाते रहना चाहिए, ताकि सरकार ध्यान दे हम सभी शिक्षा मित्र और अनुदेशकों की तरफ, उनके भविष्य को उज्जवल बनाने हेतु। तो साथियों ये थी आज की बड़ी खबरें, मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोविड नियमों का पालन कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, अनुदेशक एकता जिंदाबाद।